Assalamualaikum my YouTube family, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल टेस्टी और सभी का फेवरेट शीख कबाब, जो आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं। इफ्तारी स्पेशल, डिनर स्पेशल, स्नैक स्पेशल, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इफ़ यू आर नॉट यू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। शीख कबाब बनाने के लिए आपको पहले चाहिए ये मिन्स खीमा, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और मैं यहाँ पे मैंने स्मॉल क्वांटिटी का एक ऑनियन डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही रफली चॉप किया है, और थोड़े बहुत मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी, और 3-4 स्लाइस किए हुए ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज़ द ग्रीन चिलीज़, अगर आप बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिलीज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे रेड चिली ऐड करूँगी, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। रेड चिली ऐड करने के बाद इसमें साथ ही साथ आपको यहाँ पे हल्दी, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ किया है, हल्दी के साथ मैं यहाँ पे बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में गरम मसाला ऐड करूँगी। कबाब बनाने के लिए मसाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर जब गरम मसाला ऐड करेंगे उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसको मिक्स करूँगी, ताकि ये जो सारे मसाले हैं ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाए खीमे के साथ। बाइंड होना मसालों का बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो ये अच्छी तरह से नमक इसमें नहीं जाएगा और अच्छी तरह से बाइंड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जार पे सारा जो भी मिक्सर मैंने ऐड कर लिया है। अभी मैं इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है, ये बहुत ही स्मूथ है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून है। जिंजर गार्लिक पेस्ट गिव्स यू अ वेरी गुड फ्लेवर। इसके साथ ही साथ मैंने रोस्टेड 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारे जो मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देख सकते हैं शीख कबाब में एक मेजर इंग्रेडिएंट ऐड होता है, जो कि है ग्राम फ्लावर, यानी कि बेसन। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। बेसन को ऐड करने के बाद आपको 1 टीस्पून घी ऐड करना है, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए, अगर आपको दिखे कि अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अनदर 1 टीस्पून बेसन ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद ये बहुत अच्छे तरह से बाइंड हो रहा है और अच्छे तरह से इसका बैटर बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक आयरन स्टिक लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने पाम पे ऑयल लगाया हुआ है, ऑयल की मदद से ही ये बहुत अच्छी तरह से स्टिक होगा। इसको हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाना है, आपको बहुत फोर्स नहीं लगाना है, हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कीजिए, ताकि ये प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप मिले। तो जब इस सिलेंड्रिकल शेप बन जाए तो आपको बहुत ही आसानी से हल्के हाथ से इसको रिमूव करना है और प्लेट पे रख देना है। इसी तरह मैं और एक और बना के आपको बताती हूँ। अगर आपको लगे कि ये स्टिक नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप ऑयल अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे से बन जाए। तो इसी तरह मैं अब यहाँ पे डाल रही हूँ और हल्के हाथ से इसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये सिलेंड्रिकल शेप ले ले, और मैं यहाँ पर इसको आराम से रिमूव करूँगी, और मैं इस और 2-3-4 इसी तरह बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। शीख कबाब बनाने के लिए ऑयल हीट होना बहुत ज़रूरी है, अगर ऑयल प्रॉपरली हीट ना होगा तो ये अच्छी तरह से अंदर से नहीं पकेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑयल हीट हो गया है, तो मैंने लो मीडियम फ्लेम में शीख कबाब को बना रही हूँ। तो स्टार्टिंग में ही आपको इसको पलटाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको इसको इसी तरह ऑयल में छोड़ना है। इसके बाद आप इस थोड़ी देर के बाद आप इसको फ्लिप कर लीजिए। देखिए ये यहाँ पे ब्राउन कलर फॉर्म हो गया है, इसका मतलब ये इस साइड में पका हुआ है। तो मैं यहाँ पे फ्लिप कर लूँगी इस साइड में पकने के लिए। इसी तरह आपको फ्लिप करते करते हर एक साइड में आपको पकाना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट अच्छे से बन गया है। अभी मैं इसको प्लेट पे ट्रांसफ़र करूंगी और गार्निश करके आपको बताऊंगी कि कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो देखा ना दोस्तों आप सभी ने कि कितने कम समय में मैंने यहाँ पे शेक कबाब बना लिया है और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। आप इसको घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपकी जो स्क्रीन पे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।